हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रवीण तोगरिया जी, पटना आए हैं। खास बातचीत में हम इसे बात करेंगे कि हिंदू धर्म को लेकर कई संस्थान अलग अलग टिप्पणियां करते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी इसको लेकर के काफ़ी शास्त्रों को जोर करके हिंदू धर्म पर टिप्पणियां करते हैं, क्या कहेंगे? हिंदुओं को अपमानित और डिमोरलाइज करने की लंबे समय की अंग्रेजों के समय की परंपरा है। इस समय कोई लोग राजकीय चुनावी लाभ लेने के लिए और कुछ लोग बिना समझे अनावश्यक टिप्पणी कर रहे हैं। किसी अन्य मजहब वालों ने अपने धर्म ग्रंथों के पुनर्मूल्यांकन की बात नहीं कही, पर हिंदुओं ने जिनको सर पर बिठाए वह हिंदू धर्म ग्रंथों की पुनर्मूल्यांकन की बात करके सभी धर्म ग्रंथों की प्रति अश्रद्धा उनके मन में है वह बात व्यक्त कर रहे हैं, तो यह गलत है। पर मैं कहूँगा, ऐसे बोलने से हिंदुओं की कोई श्रद्धा हिलने वाली नहीं है। कहीं कहीं देखने को मिलता है, दिल्ली में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं कि हिंदू लड़कियों को अन्य धर्म के लड़कों के साथ उनके रिश्ते बनते हैं, बाद में पता चलता है कि वो अन्य धर्म के थे, लड़कियों की हत्या कर दी जाती है, क्या कहेंगे ऐसे? लव जिहाद भारत के हर डिस्ट्रिक्ट जगह की वास्तविकता है। केंद्र सरकार को एंटी लव जिहाद कानून भी बनाना होगा। हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी के द्वारा देश भर में महिला सुरक्षा का अभियान चला रहे हैं। सर, इधर हाल ही में देखा गया है कि हिंदी भाषी जो भी लोग हैं, चाहे बिहार के हों या बाहर के हों, गरीब वर्ग के लोग होते हैं, बाहर के राज्यों में जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन स्थानीय लोग उनकी भाषा नहीं समझ पाते हैं, उनको समझते हैं कि वो उनको अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, जबकि हिंदी भाषियों का कहना है कि हम लोग उनको अपने भाषा में बोलते हैं, नहीं, ऐसी स्थिति में वहाँ के हिंसा का शिकार होते हैं कई बिहारी मजदूरों को चेन्नई में। दोनों बिहार और तमिलनाडु के डीजीपी ने जब इनकार किया है तो एक दो दिन राह देखते हैं, सत्य बाहर आने दे, सत्य बाहर आने के बाद हम जरूर बोलेंगे। बांग्लादेशियों पर आपका एक नया अभियान चल रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? जैसे मुगल देश में घुस गए, देश का कब्जा किया, देश को लूटा, कत्लेआम की, ये 3 करोड़ बांग्लादेशी आधुनिक मुगल है, यदि उनको नहीं हटाए तो देश का कब्जा ले लेंगे, उत्तर बिहार कश्मीर बन जाएगा, और तब कश्मीर फाइल फिल्म बनी थी, अब उत्तर बिहार फाइल दिखाई देगी, और जैसे कश्मीर में हिंदुओं का पलायन हुआ ऐसे उत्तर बिहार से, और कश्मीर में हिंदुओं का टारगेट किलिंग ये उत्तर बिहार से दिखाई देगा। तो साफ तौर पे आप देख रहे थे, प्रवीण सुगरिया कह रहे थे कि हिंदू धर्म को लेकर के और आने वाले समय में हिंदू धर्म को बचाने के लिए इनका जो अभियान है, और अगर हिंदू इस समय सचेत नहीं होते तो हिंदू पर किस तरह की विपदाएँ आ सकती है, जैसे आज कश्मीर में देखा जा रहा है, उत्तर बिहार की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में उत्तर बिहार हो या कश्मीर हो, हिंदू कैसे बचे, सनातन धर्म कैसे बचे, इसको लेकर हिंदू कितना सजग होंगे यह तो आने वाला समय बताएगा। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।